देखिए, हम लोगों के जीवन में कुछ ऐसे नियम होते हैं कि हमें भी पता नहीं होता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो हम कितनी बड़ी गलती हम अपने जीवन में कर रहे हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो। मैं तीनों के लिए एक बात यहां पर बताने वाला हूं। शाम के समय एक तो किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे तुम्हारे नियम बहुत सारे हैं, लेकिन भोजन किसी को शाम के समय नहीं करना चाहिए, यह रोग वृद्धि का कारण। दूसरा, बच्चों के लिए खासकर शाम के समय उनको पढ़ना नहीं चाहिए, और स्त्रियों के लिए बहुत ही खास बात, हो सकता है आप शादी पार्टी में जा रहे हो, कभी कभार हो सकता है ऐसा चलेगा, लेकिन संध्या काल में कभी भी अपने केश कर्दन नहीं करना चाहिए, नहीं अपने बालों को नहीं बनाना चाहिए, बालों पर कंघी नहीं करना चाहिए। ये दरिद्रता को निमंत्रण देने के बराबर, ये चीजें लक्ष्मी का ह्रास करती है। ऐसे पुरुष वर्गों के शाम के समय में कभी भी हजामत आपको नहीं बनानी चाहिए, यानी दाढ़ी शेविंग आदि हम लोग कराते हैं, बाल कटाते हैं, तो संध्या काल में कभी नहीं कराना चाहिए। ये सभी चीजें आपके श्री धन आदि का ह्रास करते हैं, आयु पर इसका इफेक्ट पड़ता है, ये कई चीजों के लिए शुभ नहीं माना जाता है। तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ बहुत सारे नियम है, लेकिन ये छोटा सा नियम जो बच्चों के लिए भी एक एक बताया मैंने, स्त्री और पुरुष सबके लिए, आशा करता हूं छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये जानकारियां मिली होगी। कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप आगे भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके।